धनबाद के धनसार में शोषण मामले में लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष पर आरोप लगाया है और इसी के साथ लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद नारी शक्ति अधिकार मंच की ओर से कहा गया है कि अगर लड़की को न्याय नहीं मिलता है तो हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के चांदमारी काटा में स्थित एक बस्ती, इसमें एक युवक और एक युवती में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान लड़की पक्ष का कहना है कि लड़की और लड़के के शारीरिक संबंध होने से लड़की 6 महीने के पेट से है, जिसकी महज उम्र 19 वर्ष है। इसी बीच लड़की पक्ष ने एक संस्था जिसमें न्याय के लिए आवेदन दिया, जिस संस्था का नाम है नारी शक्ति अधिकार मंच, तत्पश्चात धनबाद महिला थाना में FIR भी कराया, जिस पर लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसका उम्र महज 17 वर्ष है। नारी शक्ति अधिकार मंच का कहना है कि लड़की के साथ न्याय नहीं मिलने पर हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे। लड़के के पिता अर्जुन यादव का कहना है कि मेरा लड़का निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मुझे कानून पर भरोसा है कि जांच में जो सही निर्णय कानून के द्वारा लिया जाएगा वो हमें मंजूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। क्या हुई आपके साथ? मेरा 3 साल से छोटे कुमार के साथ अफेयर चल रहा था और कोई यादव, हाँ छोटे यादव है, 3 साल से अफेयर चल रहा था, जबकि ये मतलब घर में बताना भी चाहें वो बताने से इनकार कर दिया। और अब जबकि हम प्रेग्नेंट हैं, उसको हम बोले बताए भी उसको, लेकिन वो डायरेक्ट पहले तो कितने महीने का प्रेग्नेंट है? 6 महीने का। और हम 3 महीने पहले उसको बताए तो वो बोला कि घर में बताना जरूरी नहीं है, हम शादी तुमसे करेंगे। और अब हम जब घर में मालूम पड़ गया सबको और हम जब उसको बोल रहे शादी के लिए तो वो इनकार कर रहा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम लीलू देवी हुआ। संस्था आप जो चलाती है उसका? नारी शक्ति अधिकार मंच। जी, क्या हुई है? ये संस्था में एक लड़की जो है जो पीड़ित है, वो हम लोग को संस्था में एक आवेदन दी कि हमको इंसाफ चाहिए। वो लड़की 6 महीना प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 3 दिन से यहाँ महिला थाना में आ रहे हैं जा रहे हैं। लड़का को बहुत दबाव देने पर लड़का को कल लाया गया, उसके बाद यहाँ का जो आयो है केस का जो प्रभारी है, ये दोनों बातचीत करते हुए परिवार लोग से लड़का वाला लोग से बातचीत करते करते शाम तक बोला कि लड़की से शादी करेंगे। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि शाम 6-7 बजे तक लड़का बोल दिया हम जेल जाएंगे, फिर भी शादी नहीं लड़का का बाप नहीं करे। 3 साल से रखा हुआ था, हम लोग का ये पता चला परसों तरसों, तो शादी के मांग हम लोग किए कि भाई तुम लोग प्रेग्नेंट किया है तो हमको बेटी को शादी चाहिए। बोलता है नहीं आप तो शादी नहीं कर पाएंगे, आप बोलिए तो हम कुछ पैसा देते हैं, हम पैसे पर नहीं जा रहे। इस बात के लिए आपको कब पता चली है? बस 10 तारीख को। क्या आप उनके माता पिता से इस बारे में बात किए हैं? हाँ बात किए हैं। क्या बोली उन लोगों ने? वो लोग बोलता है 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, आज सुबह बोला कि 5 लाख तक हम लोग दे रहे हैं, आप 5 लाख लेकर रफा दफा कर दो, अगर नहीं होगा तो फिर बेटी के हाथ धोना पड़ जाएगा, ऐसे भी जल जाना है उसे भी जल जाना है, अब हम लोग का जान का पूरा खतरा है। आपने थाना में लिखित कार्रवाई के लिए कुछ दिए हैं क्या? हाँ लिखित तो दिए हैं, पर मैडम में भी हमको वो मतलब बता नहीं रहे उतना, और 3 दिन से हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये लड़का और लड़की वाला क्या है? लड़का लड़की वाला तो जबरदस्ती हमारा लड़का के फंसा रहा है। अच्छा, मैंने क्या कहा नाम है? कलाम कहना कि हमारा लड़का से शादी करिए। मैंने क्यों? तो हम कहें कि कम शादी करेगा, वो लड़की कैसा है जो कि ऑल इंडिया के मालूम है, ऑल इंडिया की कैसा है, और उसके लड़की के माए बाप कैसा है जब हमारे खड़ा है। अच्छा, इतना तक खड़ा है, जिसको 4 को बच्चे रहेगा उसको बाप उसको छोड़ के भाग जाएगा, भगा देगा, अब दूसरा से रखेगा उसको, रख पाएगा बढ़िया इंसान आदमी तो उसी का औलाद में है। हमको तो लड़का के जिस तरह से बुरा से फंसाया तो ईश्वर ही जाने क्या बोलें। मैंने आपका कहा नाम है कि आपका लड़का को फंसाया है? फंसा दिया। तो हम लोग को तो ये भी मालूम चला है कि आप लोग 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे रहे हैं लड़की गलत को। बात है सब कुछ बात फूल हंगामा उड़ा रहा है। अच्छा, गलत बात है। अच्छा, हम लोग कमाने चेहरा नहीं देख रहे हैं, खाने कमाने ला भी 5 लाख रुपया कहाँ से ला के देने सकेंगे, कहाँ से देने सकेंगे, इतना उकाह तो लाना है सर, उकाह तो लाना, चेहरा नहीं पता लगेगा कि क्या उकाश है। गरीब आदमी अभी हम लोग बाल बच्चा इतना पीछे पड़ता, इतने बढ़िया स्कूल में नहीं डाल देते हैं, स्कूल में जाके 3-4 को भैंस है 2 गाय है। अब यही सोच नहीं तो मालूम चला था कि लड़का शाम तक शादी के लिए एग्री था, उसके बाद जबरदस्ती बोल रहा है, आज लड़का के काका रहा कि जबरदस्ती शादी करा लेंगे, अब लड़का बोल रहा है सर कि हम जहर खा के मर जाएंगे, तो हम जो लड़का शादी का करेगा लड़का जबरदस्ती करवाएगा और लड़का जहर खा के मर जाएगा तो लड़की के रख पाएगा, लड़के भी शादी कर रहे हैं।
अब तो कोई रखेला नहीं, हम लोग उसको क्या रखेंगे, हम लोग के क्या करेंगे उसको, जो उसको लड़के हमारा चल जाएगा उससे शादी करके क्या करें? क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।